जिले की बांसी कोतवाली पुलिस पर शराबियों के इशारे पर काम करने का आरोप एक पीड़ित युवती ने लगाया है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के निषाद नगर मोहल्ला निवासी युवती काजल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके घर के बगल में कुछ लोग शराब पी रहे थे। इस पर उसके पिता अख्तर हुसैन ने शराब पीने वाले लोगों को घर के बगल में शराब पीने से मना किया तो शराबियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वहीं पर मेरे पापा से कहा सुनी करने लगे। जब हम लोगों ने शोर बढ़ता सुना तो अपने पापा को घर में ले आए, लेकिन शराब पी रहे राजू मौर्य व उनके साथियों ने मेरे घर के गेट पर लाठी डंडे से पीटने लगे और ईंट पत्थर भी चलाया। इस दौरान हम लोग घर के अंदर लगे चैनल के अंदर हो गए और मेरे पापा सोचे कि वे उन लोगों को समझा ले जाएंगे, लेकिन दबंगों ने मेरे पापा को मारा। इस दौरान मेरे भाई व मामू को भी दबंगों ने मारा पीटा, जिससे मेरे भाई का सर फट गया और मामू के हाथ में चोट आई है। ये पूरा तांडव पीड़िता के अनुसार 2 घंटे तक चला। बार बार फोन करने के बावजूद भी पुलिस लेट से आई। दबंगों ने मेरे घर का गेट तोड़ा और मेरे घर में घुस गए। घर खड़ी मेरी स्कूटी सहित तमाम सामान तोड़ने लगे। वहीं पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस सूचना के बाद फौरन मौके पर पहुंची है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम मोहल्ला निशान नगर नरकटा बासी सिद्धार्थ नगर में रहते। थाना कौन सा? थाना बासी कोतवाली। मामला क्या हो, कैसे 3 लोग घायल हुए? मामला ये है कि मेरे पापा वहाँ पे मेरे घर के बगल में 4 लोग शराब पी रहे थे, तो मेरे पापा कहे कि भैया यहीं घर के बगल में तो ये सब ना करिए, तो इतने पे गाली गुप्ता देने लगे थे सब। कौन थे वो लोग? वो राजू मौर्य थे और राजू मौर्य के मित्र थे 3-4। पप्पू मौर्य थे। शराब के नशे में धुत थे? जी सर, शराब के नशे में धुत थे। तभी मतलब गाली गुप्ता होने लगा, तो हम लोग समझ गए लोग नशे में हैं तो कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा हम लोग छोड़ा उड़ा कर घर पे चले आए। मेरे पापा खाना खाने जा रहे थे, तभी ये लोग जो है हम लोग का बड़ा वाला गेट जो है लाठी डंडों से तोड़ने लगे, पत्थर फेंको। हम सब लोग घर में चले गए तो पापा सोचे कि हम हैंडल कर लेंगे। एक चैनल, हम लोग चैनल के अंदर चले गए तो ये लोग पूरा हम लोग का बड़ा वाला गेट तोड़कर घर में घुसे हैं। पूरा मेरी स्कूल कितने देर तक ये घटना चली? ये घटना 2 घंटे तक चली है। हम लोग पुलिस को बार बार कॉल कर रहे थे, पुलिस नहीं आ रही थी। मेरे पापा बता रहे थे कि पुलिस पप्पू मौर्य कॉल कर दिए थे कि वो लोग देर से आए। मेरे पापा खुश सुने थे क्योंकि मेरे पापा बाहर थे और उनको पापा को मारा जानकर घायल छोड़ दिए थे। तो इसमें कौन कौन घायल हुआ आपको? पापा घायल हुए हैं और छोटी छोड़ावल में अम्मी को खींची खचौल करने लगे। हम लोग किसी तरीके से बचा कर अंदर किए हैं और मेरे एक मामू हैं जिनका हाथ बचाव के चक्कर में जो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, और भाई का मेरे सर फट गया जिसको टाका आज रात में लगा है। तो मौके पर पुलिस कितनी देर बाद आई? 2 घंटे बाद आई है। तो फिर घायलों को कहाँ ले गया? जब हुए तो मेरे पापा हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले थे। मेरे पापा बाहर ही हो पड़े हुए थे, सब लोग इतना लाठी पत्थर मारने लगे थे। यहाँ तक आगे से तो कर ही रहे थे, वो लोग पीछे से भी आ गए थे। पीछे से हम लोग का दीवार कूद कर आ गए थे, वहाँ से भी हम लोग को जो लाठियों से और उससे हम लोग का चैनल तोड़ने लगे थे। बासी क्षेत्र के निषाद नगर नरकटहा क्षेत्र से पीड़िता द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा शराब पीने से मना करने पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्राप्त कर तहरीर, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है।